ओ हेलो फ्रेंड। तो आज हमने ऑटोमेटिक डोर का मिनिएचर मॉडल बनाया है, तो मैं आपको इसको पूरा बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसको टेस्ट पेपर पर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये ओपन हो गया है और ये अपने आप बंद हो चुका है। तो ये इस प्रकार से वर्क करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको इस प्रकार से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर और आर्डुइनो बोर्ड को कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर की पहली पिन है VCC, उसको मैंने अपने आर्डुइनो बोर्ड के 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करा है। और जो इसका पूरा सर्किट डायग्राम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जो हमारी अल्ट्रासोनिक सेंसर की दूसरी पिन है ट्रिगर, उसको मैंने अपने आर्डुइनो बोर्ड के डिजिटल 5 पिन के साथ कनेक्ट करा है। फ्रेंड्स हम जो हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर की थर्ड पिन है यानी कि एचओ पिन, उसको मैंने हमारे आर्डुइनो बोर्ड के डिजिटल पिन 6 के साथ कनेक्ट करा है। तो अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही तो इसका जो पूरा सर्किट डायग्राम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमारे अल्ट्रासोनिक की लास्ट पिन है यानी कि GND, उसको हम अपने आर्डुइनो बोर्ड ए GND के साथ ही कनेक्ट कर देंगे। हम अपने आर्डुइनो बोर्ड के साथ सर्वो मोटर कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसको एक वुड के पीस के ऊपर लगा दिया है ताकि इधर उधर ना हिले। तो जो इसकी वायर रहती है वो काफी ज्यादा छोटी रहती है, इसलिए मैं इसकी वायर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा। वायर एक्सटेंड करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ वायर ले लूंगा, जम्पर वायर, और इसको हम अपने सर्वो मोटर पिंस में लगा देंगे। यहाँ पर देख सकते हो मैंने सर्वो मोटर के साथ ये अलग से 3 तारों को एक्सटेंड कर दिया है यहाँ पर लगाकर। तो अब मैं आपको इसके कनेक्शन बता देता हूँ। जो हमारे सर्वो मोटर की ऑरेंज वाली वायर है हम उसको अपने आर्डुइनो बोर्ड के डिजिटल पिन 7 के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जो हमारे सर्वो मोटर की रेड वाली वायर है यानी 5 वोल्ट, उसको हम अपने आर्डुइनो बोर्ड के VIN पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। जो ये लास्ट वाली पिन है यानी ब्राउन वाली, इसको हम अपने आर्डुइनो बोर्ड के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो बस इतने ही कनेक्शन डायग्राम है। अब हम अपने आर्डुइनो बोर्ड पर और अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स आर्डुइनो बोर्ड के साथ हमें ये वायर मिलती है, तो हम इस वायर को अपने आर्डुइनो बोर्ड में लगा लेंगे और फिर अपने लैपटॉप या PC में कनेक्ट कर लेंगे। अब हम ओड अपलोड करेंगे तो ये ओड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम इस सारे ओड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद जो हमारी आर्डुइनो ID ऐप है उसके अंदर हम इस ओड को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम ऊपर टूल्स में जाएंगे और यहाँ से अपना आर्डुइनो नैनो बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम प्रोसेसर सिलेक्ट कर लेंगे और पोर्ट सिलेक्ट करके कोड अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम एक मिनिएचर मॉडल बना रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास ये छोटा सा डोर है, आप देख सकते हो ये मैंने हुड की मदद से बनाया है। तो आप भी बना सकते हो कोई भी। तो मैं इसको अपनी सर्वो मोटर के ऊपर इस प्रकार से पेस्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स पूरा इसको बनाने के बाद चलिए हम इसको टेस्ट कर देखते हैं। तो यहाँ पर जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट इसके पास से लेके जाऊंगा तो देख सकते हो डोर ओपन हो जाएगा और फिर ये अपने बंद भी हो जाएगा इस तरह से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।